बच्चों, ये एमबी के 12वें सेट के साथ मैं प्रस्तुत हूं। और कभी कभी ऐसा होता है कि गुड इवनिंग मैं कहता हूं और वो गुड मॉर्निंग हो जाता है, तो कभी कभी अपलोड करने में प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग पे ना ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली मेन चीज है हमें इसे प्रिपेयर करना, तो देर हो जाती कभी कभी। तो ये 12वां सेट है एमबी का, जो आगे आने वाले एग्जाम्स है। और अभी तो सारी एसएससी ने पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है, तो आपके सारे एग्जाम्स आगे मिलेंगे आपको, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, आगे स्टेनो वगैरह के एग्जाम्स हैं, तो उन सब में ये सेट्स आपके काम आएंगे। बहुत सारे बच्चे हमेशा कहते रहते हैं सर एमबी का सेट डाली, एमबी का सेट डाली, तो फिर ये नेक्स्ट है जिसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले कॉमन एरर्स से, जो उसमें 12वें सेट में आपको दे गए हैं। ये एमबी का 133 सेट वाला है और उसमें शायद 13वां सेट होगा ये आपका, जिसमें आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, ही डिक्लेयर दैट ही बोर नो मैथ्स ऑफ मैटर। मैटर समझते हैं लबादा या चोंगे को कहते हैं। तो ही डिक्लेयर, उसने डिक्लेयर किया दैट ही बोर, पहले तो आप ये समझें, जब ये डिक्लेयर है तो उसने डिक्लेयर तो पहले ही किया होगा, फिर जो दैट ही वो जो उसने पहना था वो उसके भी पहले रहा होगा, इसका मतलब ये दैट ही वोर तो नहीं ही होगा। अब यहां दो ऑप्शन हो सकता है। एक ऑप्शन है कि अगर आप ये कहना चाहें कि वो पहन रहा था, तो ही वाच वियरिंग हो जाएगा यहाँ पे ही वोर के स्थान पे, और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि उसने पहना था, तो ही हैड वॉर्न हो जाएगा। बेहतर होगा ही डिक्लेयर, उसने घोषित किया दैट ही वाज वेयरिंग, वह पहन रहा था नो मैन्स मैंटल, यानी किसी और व्यक्ति का वो लबादा या चोगा ही पहन रहा था, वो अपना ही पहन रहा था, यानी बी पोर्शन में आपके एरर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डॉग्स सून रिकॉग्नाइज, कुत्ते जो होते हैं जल्दी पहचान लेते हैं द पर्सन, यानी व्यक्तियों को, बाई whom, जिनके द्वारा दे आर काइंडली ट्रीटेड, उनके साथ दयालुतापूर्ण व्यवहार किया गया होता है। फिर से देखिए आप बाकी को, डॉग्स सून रिकॉग्नाइज, यानी जो कुत्ते होते हैं वो जल्दी पहचान लेते हैं द पर्सन, उन व्यक्तियों को, कोई गलती ना हो, डॉग्स सून रिकॉग्नाइज द पर्सन, सही है। बाई whom, उन व्यक्तियों के द्वारा जिनके द्वारा They are kindly treated, उनके साथ दयालुतापूर्ण व्यवहार किया गया। आप में से कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि kindly जो है ये treated के बाद होना चाहिए था, They are treated kindly, बट ये तब होता यदि active voice होता था। Passive voice के structure में जो adverb of manner होता है वो verb के पहले आ जाता है। यहाँ सही है, ये no error हो जाएगा, कोई error नहीं, ध्यान रखिएगा। एक्टिव वॉइस में एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो नॉर्मली आप बाद में रख सकते हैं, लेकिन जब पैसिव वॉइस लेते हैं तो हमेशा वर्ब के ठीक पहले आता है, वैसे वो वर्ब के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज किया जाता है, अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है तो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है और एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ये नॉर्मली ऑब्जेक्ट या वर्ब के बाद आते हैं, और जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है नॉर्मली वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आती है, ये सिस्टम है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में होते हैं, जो एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब के बाद आता है हम उसे वर्ब के पहले कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, बिफोर एवरी मील, यानी हर बार जब भी वो भोजन करता था तो द हेड ऑफ द फैमिली, तो परिवार का जो मुखिया होता था, वुड प्रोवोक गॉड्स ब्लेसिंग्स। आप जल्दी इसको समझ नहीं पाएंगे कि मैं कई बार कहता हूं शब्दों के बीच जो माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं वो आपको तैयार रखने चाहिए, ठीक है। तो वो गॉड के ब्लेसिंग्स के लिए प्रोवोक करता था क्या, ईश्वर को भड़काता था क्या, नहीं ना, वो ईश्वर का आवाहन करता रहा होगा, उनकी प्रार्थना करता रहा होगा। तो प्रार्थना करने के लिए हम प्रोवोक का तो प्रयोग नहीं करते हैं, अगर आपको याद हो हम इसका प्रयोग करते हैं, इनवोक करते हैं, इनवोक मीन्स आवाहन करना, तो जहां पे प्रोवोक लिखा है वहां इनवोक हो जाएगा। बिफोर एवरी मील द हेड ऑफ द फैमिली
वुड इनवोक गॉड्स ब्लेसिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आई हैव बीन इनवाइटेड, मुझे इनवाइट किया गया है टू अ पार्टी, पार्टी में होस्टेड बाय, जो ऑर्गेनाइज की जा रही, आयोजित की जा रही है बाय माय कजिन सिस्टर, किसके द्वारा, मेरे कजिन सिस्टर के द्वारा। तो शायद तुरंत कर लेंगे आप, कजिन सिस्टर या कजिन ब्रदर का एक साथ प्रयोग नहीं करते हैं, या तो कजिन्स ले लीजिए आप, कजिन ले लीजिए या फिर ब्रदर या सिस्टर ले लीजिए। ये जो सी ऑप्शन आपका है, सी में कजिन सिस्टर, वहां सिस्टर में केवल कजिन हो जाएगा। तो आई हैव बीन इनवाइटेड टू अ पार्टी होस्टेड बाय माय कजिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, His determination, ये sentence improvement के question सब आते हैं। His determination was not shook तो किसी भी कीमत पे नहीं होगा। अगर हम active में भी होंगे तो भी was not shaking होगा, और अगर हम passive में होंगे तो was not shaking होगा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, उसने अपना determination shake नहीं किया, या उसका determination shake नहीं हुआ, यानी उसका determination डिगा नहीं, हिला नहीं वो अपने डिटरमिनेशन से, यानी यहां वाज नॉट शुक जो है वो पैसिव पास्ट में होगा, वाज नॉट शेकन, तो हिज डिटरमिनेशन वाज नॉट शेकन, कौन सा है, सी ऑप्शन। तो देखो, वाज नॉट शेकन बाय व्हाट पीपल सेड, यानी इसके दृढ़ इच्छा शक्ति डिगी नहीं, बाय व्हाट पीपल सेड, उस चीज के द्वारा जो लोगों ने कहा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, If you would have seen him perform in the London Olympic Games, you would have been thrilled. Thrilled means romanchit ho jana. If you would have seen him perform, यदि आपने उसे perform करते हुए देखा होता in the London Olympic Games, London Olympic Games में, you would have been thrilled. तो आप romanchit हो गए होते, आप बहुत अच्छा लगा होता। If you would have seen him perform, अभी हाई कोर्ट का एक पेपर था, तो उसमें आप देखा होगा इस तरीके के ऑप्शन दिए गए थे, और उसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं था, चाहे मेरा ख्याल है कोई भी ऑप्शन सही नहीं था, और नो इंप्रूवमेंट भी नहीं सही था, क्योंकि जो इफ वाली क्लास है ट्रेडिशनल ग्रामर में आप उसे पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और जो दूसरी क्लास होती है उसे वुड हैव या शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं, होता है। तो जैसे ही आपने देखा इफ यू वुड हैव सीन है, पास्ट परफेक्ट में लौट आए, जाएगा इफ यू हैड सीन हिम। अब देखें क्या इसमें है कहीं इफ यू हैड सीन हिम, इफ यू हैड गलत हो गया, हैड यू सीन, चलिए आगे देखते हैं, हैड यू बीन सीन कभी नहीं होगा, एक्टिव पास हमको चाहिए, और नो इंप्रूवमेंट तो है नहीं आपके। अब हमारे पास बचा क्या, हैड यू सीन, तो जो भी बच्चे कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हो उन्हें याद होगा, अगर कहीं लिखा इफ यू हैड सीन हो, आराम से आप कर सकते हैं Had you seen, ये had जो है if और had दोनों का काम करेगा, यानी B option जो आपका है ये हो जाएगा, had you seen him perform हो जाएगा। तीसरा sentence improvement है आपका, I cannot barely wait, कई बार आपको बताया गया होगा hardly, rarely, barely, और scarcely, little, few, unless, until, ये और भी seldom, ये already negatives होते हैं। अगर ये negatives हैं, तो इनके साथ आपको अलग से no, not, never नहीं लेना चाहिए। तो barely खुद क्या है आपका? Negative है, और फिर can not भी ले रहे हैं आप, तो simple सा है, can not का not क्या कर दें आप? हटा दें, तो हो जाएगा I can barely wait। देख लें है किसी में, है आपका C option देखें। I can barely wait हो जाएगा। चलिए sentence improvement का last question है आपके सामने। The observatory building is situated in a remote corner of the zoo. Remote corner क्या होता है? दूर का कोना, ठीक है? तो in a far Of the zoo तो होगा नहीं, गलत। In the distant of the zoo तो होगा नहीं, In the close of the zoo तो होगा नहीं, Remote corner खुद ही होता है दूर का, आपको कोई improve करने की आवश्यकता नहीं यहाँ पे। वाक्य अगली क्या है आपका? सही है।
The observatory building is situated in a remote corner of the जो remote corner is उस चिड़ियाघर का दूर का कोना कॉलिंग से ही आपका कोई करेक्शन नहीं आपका है नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। चलिए अब आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स है। द शिप इज डैश जेनेवा। द शिप इज डेस्टिन्ड टू जेनेवा। डेस्टिन्ड कहां यूज करते हैं? जो चीज किसी के भाग्य में लिखा होता है, भविष्य में जो किसी के साथ कुछ होने वाला होता है वो डेस्टिन्ड होता है। जैसे कहीं किसी कहना हो कि he is destined to die, यानी वो मरने के लिए ही पैदा हुआ है, तो he destined to die यानी भविष्य में निश्चित उसे मरना है। पर यह destined तो नहीं होती, भविष्य में उस शिप को ऐसा होना है। bound to क्या होता है आप जानते हैं, मजबूर होना, compel होना, forced होना, तो bound को तो है नहीं, यहाँ पे जेनेवा के लिए वो bound to तो है नहीं। हाँ, bound far हो जाएगा। bound far means होता है प्रस्थान करने के लिए तैयार होना। The ship is bound for Geneva, यानी जो जहाज है वो जेनेवा के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार है। तो bound आप होता नहीं कुछ ऐसे, तो bound far हो जाएगा। Next question है आपका, I never dash such a research. Actually यहाँ दो answers हो सकते हैं। पहला I never dream of such a result और दूसरा I never dreamed of such a result. ये दो तो होगा नहीं आपका, dreamed और thinks होगा नहीं आपका। तो I never dream of such a result होगा या dreamed of होगा, ठीक है? आपको confusion हो सकता है, कुछ किताबों में ऐसा है कि दोनों सही है, लेकिन आप सोच देखें क्या आप ऐसे बोलेंगे मैं ऐसे रिजल्ट के बारे में सपने नहीं देखता हूं, नहीं सोचता हूं, ऐसे नहीं बोलते। आप ये बोलते हैं कि मैंने इस तरीके के रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था, ऐसे बोलते हैं। तो आपको जो आंसर होना चाहिए वो ड्रीम्ड हो जाएगा। आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ सच अ रिजल्ट, यानी इस तरीके के रिजल्ट के बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, सपने में नहीं देखा था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ यू डैश इन योर स्टडीज यू विल गेट अ फर्स्ट क्लास, ठीक है? अगर आप अपनी स्टडीज में ऐसा करते हैं तो आप फर्स्ट क्लास आ जाएंगे। बच्चों आप जानते हैं क्या करते हैं, आप परजवर करते हैं, परजवर में निरंतर प्रयास करना, इंसिस्ट करते हैं किसी बात पर जोर देना, इंडल्ज करते हैं किसी चीज में लिप्त होना, शामिल होना, एडहियर करते हैं किसी की संगति वगैरह को फॉलो करना, उसका अनुयायी होना, परजवर करेंगे, परजवर में सतत प्रयास करना, निरंतर प्रयास करना। तो इफ यू परजवर हो जाएगा, और इन भी एक क्लू है आपका, परजवर इन होगा, इफ यू परजवर इन योर स्टडीज, यदि आप अपनी स्टडीज में सतत प्रयास करते हैं यू विल गेट फर्स्ट क्लास। तो परजवर यहां के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा। ये स्पेलिंग भी तैयार कर लीजिएगा, स्पेलिंग कई बार आपको स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन में आपको दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है, लास्ट होगा। स्टीव यह नाम है, स्टीव हैड ऑलवेज होप्ड, स्टीव हमेशा आशा करता था दैट ही हिज फादर वुड डैश द प्रॉपर्टी टू हिम, कि उसके पिता जो है प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, बीक्वीथ कर देंगे, मींस वसीयत में दे देंगे, डिस्प्लेम कर देंगे, मींस उस पर दावा करना छोड़ देंगे, वो बी स्पोक कर देंगे, मींस पहले से ही बता देंगे, पहले से ही कह देंगे, बी सीज कर देंगे, प्रार्थना करेंगे, क्या करेंगे, वसीयत में दे देंगे ना, उसने पहले से ऐसा सोच रखा था। यानी स्टीव हैड ऑलवेज होप्ड that his father would bequeath हो जाएगा, bequeath the property to him, यानी वो अपनी property उसे वसीयत में दे देंगे, उसने पहले से ऐसी आशा कर रखी थी, तो A option हो जाएगा। चलिए अब हमारे सामने जो questions हैं, वो आपके one word substitution के हैं। पहला question है, with no particular order or plan, जिस चीज की कोई विशेष क्रम ना हो, कोई योजना ना हो, वो आप जानते हैं haphazard होता है, hazard means अस्त व्यस्त अव्यवस्थित, hazardous होगा नहीं, hazardous means जो चीजें खतरनाक होती, हानिकारक होती हैं, hopeless से यहाँ कोई मतलब नहीं, और hazard आपका noun हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, तो hazard हो जाएगा, hazard means जो चीज अस्त व्यस्त हो, बिना किसी order या बिना किसी plan का हो। Next question है आपका, an author's handwritten or typed text submitted for publication. जब आप कोई चीज लिख करके या टाइप करके आप पब्लिकेशन के लिए देते हैं,
तो वो चीज आपकी मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती है, यानी जो अभी प्रकाशित नहीं हुई है, जो आपने अपने से लिखा है वो मैन्युस्क्रिप्ट है। तो वो पेपायरस नहीं है। पेपायरस क्या होता है? पानी में पाया जाने वाला एक पौधा होता है। वो पंफलेट तो कतई नहीं, समझते हो, जो बांटते हैं पंफलेट्स वगैरह होते हैं, वो क्या होती है? मैन्युस्क्रिप्ट यानी हस्तलिपि, यानी हस्त हाथ से जो लिखी हुई चीजें होती है किसी राइटर वगैरह के द्वारा, ऑथर के द्वारा, वह मैन्युस्क्रिप्ट होता है। यहाँ पे डबल एन है, एक एन हटा दीजिएगा। और रेप्लिका आप जानते हैं, रेप्लिका मीन्स होता है किसी चीज की प्रतिलिपि, उसकी प्रतिकृति जो होती है, हूबहू वही कॉपी जो होती है वह रेप्लिका होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वन हु डील्स इन फर्स, वो व्यक्ति जो रोने वगैरह का व्यापार करता हो वो क्या कहलाता है? क्या वो लैपिडिस्ट है? कतई नहीं। लैपिडिस्ट पत्थरों को तराशने वाला होता है। क्या वो टैनर है? कतई नहीं। टैनर चर्म शोधक होता है, चमड़े वगैरह संबंधित जो होता है। क्या वो ड्रोवर है? कतई नहीं। ड्रोवर वो होता है जो पशुओं वगैरह ले आकर के बेचता है मार्केट में। वही फरियर है, फरियर में जो रेशम के यानी रोवे वगैरह संबंधित कार्य करता है वह फरियर होता है। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। वन और सब्स्टिट्यूशन में लास्ट क्वेश्चन है आपका, अ पोजीशन आर एन ऑफिस विद नोवर बट हाई सैलरी, यानी कार्य बिल्कुल भी नहीं है लेकिन आपकी सैलरी बहुत अधिक है। काश की ऐसी जॉब सबको मिल जाए, काम कुछ न करना रहे और आपकी तनख्वाह बहुत ज्यादा स्लो, ऐसा ही चाहते हैं। तो क्या वो मोनार्की में आएगा? कतई नहीं। मोनार्की राजशाही को कहते हैं। क्या वो सिनेक्योर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। सिनेक्योर में से एक ऐसी जॉब जिसमें काम न करना हो लेकिन तनख्वाह बहुत अच्छी होती है, वो सिनेक्योर होता है। क्या वो टेन्योर है? कहते हैं टेन्योर में आपकी जो अवध कार्यकाल होता है वो टेन्योर होता है। क्या वो व्हाइट कॉलर जॉब है? कहते ही नहीं। व्हाइट कॉलर जॉब क्या होता है? जो तीन प्रकार की जॉब्स होती हैं, जो व्हाइट कॉलर जॉब वाले लोग होते हैं उनका कार्य ऑफिशियल है, एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। जो लोग ब्लू कॉलर वाले होते हैं उनका कार्य उसका होता है जैसे लेबर वगैरह काम जो करना होता है परिश्रम का, वो ब्लू कॉलर जॉब होते हैं। और एक पिंक कॉलर जॉब भी होता है जो लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए, उनका एंटरटेन करने के लिए, सेल्स वगैरह में किसी को इंटरेक्ट करने के लिए काम करते हैं, वो पिंक कॉलर जॉब होते हैं। कहां आएगा आपके? फिर से व्हाइट कॉलर जॉब जो ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित होते हैं, ब्लू कॉलर जॉब जो मैनुअल लेबर से संबंधित होते हैं, परिश्रम करने से संबंधित होते हैं, और पिंक कॉलर जॉब जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी जगह जो आपके वो होते हैं मॉल्स वगैरह होते हैं, लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, वो आपके पिंक कॉलर चाप वाले होते हैं। तो व्हाइट कॉलर चाप ये हो जाएगा। चलिए अब हमारे सामने है एंटोनिम्स, तो आपको चूज करने हैं। पहला वर्ड है आपका परसेप्टिव। अगर आप याद हो परसेप्टिव मीन्स होता है जो व्यक्ति समझदार होता है, मीन्स जिसके पास अनुभव, समझदार हो वह परसेप्टिव होता है। क्या वो अनकॉन्सियस है? कतई अनकॉन्सियस, मीन्स बेहोश होता है। क्या वो इंडिस्क्रीट है? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि परसेप्टिव मीन्स समझदार, तो इनडिस्क्रीट मीन्स अविवेकी, ना समझ होता है, ये हो जाए। ब्लंट समझते हैं, कोई चीज जिसकी धार खत्म हो गई हो वह ब्लंट होती है। और अनअवेयर वो व्यक्ति होता है जो किसी चीज से असावधान होता है। तो परसेप्टिव का एंटरिंग इनडिस्क्रीट हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है आपका फेरोशियस। फेरोशियस क्या होता है? जो बहुत खतरनाक होता है, नुकसानदायक होता है, वो होता है। क्या फेरोसस का एंटोनिम रीअस्योरिंग हो जाए? कतई नहीं। रीअस्योर में किसी को पुनः आश्वस्त करना होता है। क्या वो प्रैक्टिकल हो जाएगा? कतई नहीं। प्रैक्टिकल में व्यवहारिक होता है। क्या वो स्ट्रांग हो जाएगा? कतई नहीं। स्ट्रांग में मजबूत होता है। क्या हो जाएगा फेरोसस का एंटोनिम? जेंटल। जेंटल मीन्स जो विनम्र होता है, फेरोसस मीन्स भयानक, तो जेंटल मीन्स विनम्र हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडवर्सिटी। नॉर्मल वर्ड होना चाहिए आपके लिए एडवर्सिटी। आप समझते हो एडवर्सिटी मीन्स क्या उसे कहते हैं? बदहाली कहते हैं, मुसीबत कहते हैं। तो अगर एडवर्सिटी मीन्स बदहाली या मुसीबत है, खोजिए के मिल जाएगा आपको, बिल्कुल स्पष्ट सा प्रॉस्पेरिटी है। प्रॉस्पेरिटी मीन्स खुशहाली या समृद्धि होती है। हम्बलनेस क्या होती है? आपकी विनम्रता होती है। ह्यूमिलिटी क्या होती है? आपकी विनम्रता होती है। एंगर क्या होता है? आपका क्रोध होता है, रेज होता है आपका। तो एडवर्सिटी का एंटरिंग हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी। लास्ट वर्ड एंटर इनका डेंटी। डेंटी कौन होता है? जो सभ्य होता है, मीन्स अच्छा दिखता है, बना खना रहता है, वो डेंटी होता है, जो अच्छा दिखे। तो क्लम्सी कौन होता है? जो भद्दा दिखता हो, गंदा दिखता हो, वो क्लम्सी होता है। अफ्रेड का कोई मतलब नहीं, अफ्रेड मीन्स डरा हुआ, ड्राई मीन्स सूखा, और हार्मफुल नुकसानदायक हो जाता है। तो डेंटी का एंटर इन क्लम्सी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है idioms and phrases, ठीक है। पहला पर है to strike a chord। to strike a chord means होता है कोई ऐसी चीज आपको याद होना जो आप जिससे आप पहले से फैमिलियर रह चुके हो, मींस उस चीज से परिचित हो ना, वो चीज आपके दिमाग में आना। तो टू स्ट्राइक अ कॉर्ड का टू हिट द कॉर्ड्स फोर्सफुली, कस कस के उन तारों को बजाना कतई नहीं। टू हिट द लॉन्ग नोट, गलत तरीके का गाने या उठे गाना कतई नहीं। टू बी रिमाइंडेड ऑफ समथिंग फैमिलियर, हो जाएगा कोई ऐसी चीज जो आपको पहले से पता हो तो टू स्ट्राइक अ कॉर्ड होता है। तो स्ट्रम गिटार होगा, इंस्ट्रूमेंट से झनकार होगी, झनकृत करना, गिटार को झनकृत करने से कोई मतलब नहीं आगे। नेक्स्ट है बैक टू द स्क्वायर वन, ये इडियम मैं क्लास में बहुत बार यूज करता हूँ बच्चों से, कहता हूँ बहुत बार ऐसा होता है आप कुछ पढ़ रहे हैं फिर रिविजन नहीं करते हैं तो फिर एक बार आपको लगता है कि फिर से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। दिस इज बैक टू द स्क्वायर वन, तो बैक टू द स्क्वायर वन का देखें क्या, टू बी एबल टू काउंट, गिनने से संबंधित कतई नहीं। टू रिप्ले अ गेम ऑफ चेस, किसी चेस को फिर से खेलना कतई नहीं। टू कंप्लीट अ गेम, गेम को पूरा करना कतई नहीं। टू स्टार्ट अगेन, हो जाएगा फिर से शुरुआत करना, तो बैक टू द बैक टू स्क्वायर वन इज टू स्टार्ट अगेन। नेक्स्ट है एज द क्रो फ्लाइज, अगर आप कबो उड़ते हुए आपने देखा हो तो सीधे तरीके से उड़ते हैं, तो एज द क्रो फ्लाइज का हो जाएगा In a criss-cross way, आड़े तिरछे ऐसे नहीं, in a straight way बिल्कुल हो जाएगा, यानी as the crow flies का in a straight way हो जाएगा। बाकी देख रहे हैं circular way means चौकोर तरीके से और monotonous means उबाऊ तरीके से, एक ही तरीके से ऐसा नहीं होगा। Idiom of phrases में last है आपका if you are no spring chicken, no spring chicken means होता है जिस जो आदमी ग्रीन हार्न होता है, मींस सीजन नहीं होता है अर्थात अनुभवी नहीं होता है। तो इफ यू आर नो स्प्रिंग चिकन, नो स्प्रिंग चिकन मींस इनएक्सपीरियंस, जो आदमी अनुभवहीन हो, देखें पहला ही वर्ड है इनएक्सपीरियंस हो जाएगा, यंग समझते होंगे, एनर्जेटिक भी आप जानते हैं और अपडेट चिकन भी आप जानते हैं। तो इफ यू आर नो स्प्रिंग चिकन, नो स्प्रिंग चिकन मींस इनएक्सपीरियंस। चलिए नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है स्पेलिंग एरर्स, पहला एक ही तरीके वर्ड है आपका, वर्ड है इंटरसेशन, आप प्लीज बना सकते हैं आप, अगर आपको इंटर समझ में आता होगा आई एन टी ई आर इंटर, सेशन भी समझ में आता होगा, वो सेशन नहीं एस सी डबल एस आई एन, जो इंटर के साथ सेशन जुड़ता है वो सी ई डबल एस आई ओ एन होता है, इंटरसेशन। इंटरसेशन मीन्स मध्यस्थता, किसी की जब आप हिमायत करते हैं पक्ष लेते हैं, यह इंटरसेशन होता है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, पहला गलत है सी ई एस और टी आई वगैरह यहाँ पे दिया गया है, दूसरे में इंटरसेशन में एस ई डबल एस आई एन है, गलत ये भी हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, तीसरे में इंटरसेशन सी ई एस आई एन ये भी नहीं होगा, चौथा हो जाएगा आप देखें ध्यान से आई एन टी ई आर सी ई डबल एस आई इंटरसेशन, मध्यस्थता या हिमायत होती है, तो यहां चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका परसेवरेंस, समझो क्या, अभी कुछ देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पे परसेवर जो स्पेलिंग होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, तो बोलिंग प्लस ऑड आपका है, तो परसेवर से परसेवरेंस बनाए बनाए परसेवर पी ई आर एस ई वी ई आर, ठीक है, उसमें जो ए अंक से ही जोड़ेंगे परसेवरेंस हो जाए। अब यहां देखिए यहां परसेवरेंस लिखा है, नहीं होगा, पहला गलत हो गया, नेक्स्ट है पर एस ए है गलत हो गया, नेक्स्ट है प्रिजर्वेंस गलत हो गया, नेक्स्ट है पी ई आर एस ई वी ई आर एन सी सही है, परसेवरेंस में सतत प्रयास निरंतर प्रयास हो जाए। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका है विम्सिकल, आसान स्पेलिंग विम डब्ल्यू एच आई एन सिकल एस आई सी ए एल, देख लें ये तो गलत हो गया आपका, विम्सिकल पहला सी ओ एल यहां लिखा है गलत है, डब्ल्यू एच आई एन एस आई सी एल सही रहेगा, और भी इतनी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं आपकी है, बी ऑप्शन विम्सिकल, विम्सिकल मींस सनकी, कोई ऐसा जो सनक से भरी हुई चीज होती वह विम्सिकल होती है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, डिफरेंट से बना है बना लीजिए, तो डिफरेंशिएशन टी आई एस आई एन होता नहीं है गलत हो गया ये डिफरेंशिएशन, चलिए देखते हैं फिर डिफरेंस सिंगल एफ होगा नहीं, यहां भी सिंगल एफ होगा नहीं, समझ आइए, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा डिफरेंशिएशन का अंतर, समझते हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिलाई,
रिलाय समझते हो, किसी पर आश्रित होना, निर्भर होना, बिल्कुल आसान, पहला ही है रिलाय का, डिपेंड करना मीन्स निर्भर होना, तो रिलाय का डिपेंड मीन्स आश्रित होना या निर्भर होना। लीन आप जानते हैं, लीन मीन्स होता है दुबला पतला, वैसे झुकना भी होता है। बीट्री विश्वासघात करना, धोखा देना। ट्रस्ट किसी ने भरोसा करना होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये हमारा सिनोनिम का हो गया सिससना, ठीक है। सिससन समझते होंगे, सिससन किसी चीज के अंत को कहते हैं, अंत पास तो है नहीं, पास रुकावट को कहते हैं। रिज्यूम तो है नहीं, किसी चीज को पुनः शुरू करना। एंड तो है आपका, हाँ यही है ये आपका, सिससन का सरणिम एंड हो जाएगा, स्टार्ट इसका एंटनिम हो जाएगा आपका, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा एंड। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है प्रीवियस। इससे आसान वर्ड क्या मिलेगा, प्रीवियस मीन्स पहले का, तो प्रीवियस का क्या लेटेस्ट होगा क्या, नहीं। प्लस का आफ्टर होगा क्या, नहीं। प्रीवियस का फॉर्मल हो जाएगा, फॉर्मल मीन्स पहले का, तो अर्लीस्ट भी नहीं होगा, सबसे पहले को तक ये भी नहीं होगा, तो प्रीवियस का सराउंडिंग फॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेह। मेह हम सब जानते हैं बहुत अधिक अशांति, हलचल वगैरह को कहते हैं। एक्साइटमेंट तो होगा नहीं, एक्साइटमेंट को उत्तेजना होती है। डिफीट होगा नहीं, डिफीट विनाश को कहते हैं। जुबलेशन खुशी को कहते हैं। एक ही ऑप्शन बचा है हैवक। हैवक में जानते होंगे विनाश या किसी चीज के नष्ट होने क्रिया को, एक्चुअली इसका एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं है, अच्छा ये सिनोनिम नहीं है, लेकिन फिर भी मिलता जुलता है तो हैवक हो जाएगा, मेहम का सिनोनिम हैवक। चलिए सेक्शन आपका पीक्यूआरएस का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। एक्चुअली जितने भी बच्चों के प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर आपको याद हो, वो तीन चीजें उनके मेन होती है। सबसे प्रॉब्लम में क्लोज टेस्ट में होते हैं वो, फिर पीक्यूआरएस पहला जंबल सेंटेंस जो दोनों होते हैं, फिर कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। बहुत बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर कॉम्प्रिहेंशन में हमारे साथ मेहनत कर लीजिए, पीक्यूआरएस में कर लीजिए, क्लोज टेस्ट में कर लीजिए। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप इसका फायदा ले सकते हैं, धीरे धीरे सीखें आप, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं जो इकट्ठी चीज मिल जाएंगे, ये तीन चीज ऐसी नहीं है जहां तुरंत इसमें आप कैपेबल हो जाएंगे चीज करने को, बट अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित चीजें आप खुद से कहेंगे कि वो चीजें जो आपके लिए कठिन थी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पीक्यूआरएस। इसका पहला क्वेश्चन आपका होगा यहां पे, पहला क्वेश्चन है सामने आपके, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एक्चुअली कई बार चेंज हो जाता है, इधर उधर तो नाम बताया सर, तो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत का जो इतिहास है, समझिएगा, जिन बच्चों से जिन बच्चों को लगता है कि उन्हें पीक्यूआरएस कठिन, उन्हें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इनको जो पास किया जाता है वो जरूर सीखें। हमारा सब्जेक्ट पोर्शन ये होता है, हमारा वर्ब है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उसे एक लेवल पीक्यूआरएस का आपका आसान हो जाए। चलिए देखते हैं, यही देखें द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ होमो सेपियंस है, लॉन्ग है, बैठेगा कभी, कभी नहीं। भारत का इतिहास 75 इयर्स एगो आर्विद, कभी नहीं। भारत का इतिहास अर्लियर होमिनिड्स इंक्लूडिंग होमो सेपियंस, कभी नहीं। भारत का इतिहास बिगिंस, शुरू होता है, बैठेगा एस, यानी पहले नंबर पर क्या हो गया एस। अब इसके बाद देखते हैं कि अगर एस है तो कौन कौन से ऑप्शन है जिनमें एस दिया गया है। देखें ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में एस दिया गया, तो ये जो हमारा सी है हटा, इसे एलिमिनेशन ट्रिक कहते हैं, इसे हटा दिया, आपको दो में से छांटना है, ठीक है। अब हम तरीका क्या अपना है कि अगर एस है तो एक में एस के बाद आर है, एक में एस के बाद पी है, देखते हैं पहले आर लिखे, देखते हैं वो सही है कि नहीं। तो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिंस विद एविडेंस ऑफ अर्लियर होमिनिड्स इंक्लूडिंग होमो सेपियंस, आर हो गया, क्यों लिखते हैं इंक्लूडिंग होमो सेपियंस 75 इयर्स एगो आर विद, आर विद, चलिए लिख थैंक यू, इसके बाद फिर पी है, आर विद ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ होमो सेपियंस एज लॉन्ग एज फ्रॉम अबाउट, कभी नहीं बैठे, यानी कि पी आपका लास्ट में कभी लिया है, यानी हम अब पी लेके देखते हैं, इसके बाद, इसके बाद पी लगाते हैं। चलिए तो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिंस विद एविडेंस ऑफ, फिर इसके बाद मिलेगा आपका पी,
ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ होमो सेपियंस एज लॉन्ग एज, फिर क्यों है, एज लॉन्ग एज 75 इयर्स एगो आर विद, फिर आर है विद अर्लियर होमिनिड्स इंक्लूडिंग होमो इरेक्टस फ्रॉम अबाउट 5 लाख इयर्स एगो, सही, यानी हमारा बी ऑप्शन। एक और चीज है, आप देखिए लास्ट में आर है, तो आर देखिए अर्लियर होमिनिड्स इंक्लूडिंग होमो इरेक्टस फ्रॉम, सही, कोई एक नहीं, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा क्लू था कि पहला जब भी आएगा एस आएगा और इसके बाद पी आएगा। चलिए दूसरा पी के वाले साहब के सामने है, इन हिज लाइफ टाइम, ठीक है, इन हिज लाइफ टाइम, अगर आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझते हो तो इन हिज लाइफ टाइम के बाद कभी भी एंड इमेंस वेल्थ कभी नहीं आएगा। इन हिज लाइफ टाइम मैन सेंट इन इंटर्ड वर्ल्ड वाइड फेम, सही, इन हिज लाइफ और अनटाइमली एंड कभी नहीं आएगा, इन हिज लाइफ टाइम बट कभी नहीं आएगा, यानी जब भी आएगा क्यों आएगा। अब चारों ऑप्शंस पे चलते हैं, कौन से में क्यों है हमारे, ए में है और सी में, फिर देखिए ये दोनों खत्म, कोई मैटर नहीं, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं क्यू आर और क्यू पी हमारे पास है, ठीक है, पहले क्यू आर देखते हैं, तो इन हिज लाइफ टाइम मैन पर्सन अर्न वर्ल्ड वाइड फेम untimely end to the brilliant, कभी बैठे कभी नहीं। चलिए अब क्यू के बाद पी देखते हैं, इन हिज लाइफ टाइम मैन पर्सन अर्न वर्ल्ड वाइड फेम, फिर क्या है पी फेम एंड इमेंस वेल्थ, सही ना, उसने बहुत अधिक नाम कमाया और बहुत अधिक धन दौलत कमाया, फिर क्या है एस, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से इनसैनिटी, इनसैनिटी मींस पागलपन, इनसैनिटी ब्रॉट एन, फिर आर है ब्रॉट एन अनटाइमली एंड टू द ब्रिलियंट करियर ऑफ दिस ग्रेट चेंज। कई क्लूज यहां पे थे, सबसे पहला कि आपको सब्जेक्ट आपका क्यू था, ये पहला, दूसरा ध्यान से अगर आप एस पढ़ लेंगे ना तो लास्ट देखिए एन है, एन के बाद हर हाल में एक ही बचेगा अनटाइमली, एन एक वावेल लेगा, वावेल इसमें सिर्फ एक ही था आर, और यानी एस जब भी आएगा किसमें आएगा, तो इसमें हो गया, एस के बाद जब भी आएगा आर आएगा, चारों ऑप्शन देखिए एस के बाद किसमें आर है, पहले में नहीं है, बी में एस के बाद आर नहीं है, सी में देखें एस के बाद आर है, यानी क्यू भी मैच कर गया और एस आर भी मैच कर गया, इस तरह कर सकते हैं। और वैसे आप ही जानते होंगे कि जो ब्रिलियंट है आर का, ये जब भी मैच करेगा सिक्स से मैच करेगा ब्रिलियंट करियर ऑफ दिस ग्रेट जीनियस, ऐसे मैच करा सकते थे, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्यू पी एस आर। चलिए नेक्स्ट पी की वाज देखते हैं, ही हैड स्पेंट, उसने खर्च किया था, क्या खर्च किया था उसने, ही हैड स्पेंट टू सी हिम ऑफ, कभी नहीं, ही हैड स्पेंट एंड आई वाज, कभी नहीं, he had spent accompanying him across the river, कभी नहीं, he had spent a fortnight, उसने 15 दिन व्यतीत किए थे with me, मेरे साथ, यानी सबसे पहले s आएगा। अब अगर s है तो देखें कितने में s है, a में नहीं, b में नहीं, c में नहीं, d में है ना, यही हो जाएगा सर, अगर आप क्लियर नहीं है तो s के बाद q लगा करके देखें, तो he had spent a fortnight with me and all, I was now, फिर आर ले, I was now accompanying him across the river, और पी हो जाएगा to see him off for his long railway journey, सही है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा एस क्यू आर पे। लास्ट क्वेश्चन आपका पी क्वेश्चन का है, इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिज्म समझते हैं उपभोक्तावाद होता है, तो इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ कंज्यूमरिज्म, ठीक है, इस उपभोक्तावाद के आधुनिक संसार में बोथ फॉर द यंग एंड ओल्ड देखते हैं, हु कैन डिफीट, कभी नहीं होगा, विद इट्स कभी नहीं होगा, टेम्पटिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ये एक चीज क्लियर है कि जो हु वाला फ्रेज है, हु कैन डिफीट कंसिस्टेंटली, ये जब भी आएगा देखें बोथ फॉर द यंग एंड ओल्ड आएगा, क्यों आएगा, समझ रहे हैं, हु जब भी आएगा व्यक्तियों के लिए आएगा,
लास्ट में देखिए क्या आर्शलाट ऑफ है, इसके साथ आएगा नहीं। लास्ट में एडवर्टीजमेंट से इसके साथ आएगा नहीं, यहीं पे बस आएगा फॉर द यंग एंड ओल्ड। यानी पी के बाद जब भी आएगा कि अरे क्यू के, हाँ पी के बाद जब भी आएगा क्यू आएगा, ठीक है। देखिए कितने में पी और क्यू एक साथ है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में देखिए है और यहां भी नहीं है, ऐसे भी आंसर हो गया। लेकिन हम ऐसे देखते हैं कैसे हम मैच करते हैं। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ कंज्यूमरिज्म टेम्पटिंग एडवर्टीजमेंट, यानी टेम्पटिंग एडवर्टीजमेंट जो हमारे हैं, एस से होगा नहीं आपका, इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ कंज्यूमरिज्म बोथ फॉर द यंग एंड ओल्ड देखते हैं, हु कैन डिफीट कंसिस्टेंटली विद इट्स ऑनस्लॉट ऑफ टेम्पटिंग एडवर्टीजमेंट। देखिए इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ कंज्यूमरिज्म विद इट्स किसके लिए है, कंज्यूमरिज्म, ठीक है। आंसर समझते हैं, हमला आक्रमण। तो इन दिस मॉडर्न वर्ड ऑफ कंज्यूमरिज्म विद इट्स अनश्लॉट ऑफ किस चीज का अनश्लॉट ऑफ टेम्पटिंग एडवर्टीजमेंट्स, यानी आकर्षित करने वाले लालच देने वाले जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो दोनों के लिए, बोथ फॉर द यंग एंड ओल्ड हु कैन डिफीट कंसिस्टेंटली द डिजायर टू बाई न्यू प्रोडक्ट्स। यानी सबसे पहले हमारा आर आएगा विद इट्स आंसर, इट आपका कंज्यूमरिज्म के लिए है विद इट्स ऑनस्लॉट ऑफ, फिर इसके बाद एस आएगा यानी आर एस हो गया, फिर इसके बाद पी आएगा, फिर इसके बाद क्यू आएगा, ठीक है। तो हो गया आर एस पी क्यू है, आर एस पी क्यू बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं, वाइस के हैं एक्टिव एंड पैसिव एक्शन। Both his parents approved of his children. बहुत आसान होता है, मैंने पिछली बार भी कहा था टेंस क्लियर रखें, हम अगर indefinite में हैं तो helping verb हमारी continuous की होगी, continuous में है continuous plus being होगी, perfect में है तो perfect plus perfect continuous से ले आएंगे, और modals है तो modals का be आ जाएगा, इतना clue रखेंगे तो काम आएगा आपके, ठीक है। Tense कौन सा है, both his parents approved of his decision, approved of यानी यहां पे पास्ट इंडेफिनिट है, यानी जब भी हम जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे, हिज पेरेंट्स रिलेशन ये तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं आपका, सब्जेक्ट जब जब भी बनेगा हिज डिसीजन बनेगा। चलिए मैटर का फिनिश, बी देखते हैं, हिज डिसीजन गॉट अप्रूव्ड बाय हिज पेरेंट्स, वाचवर्ड तो है नहीं यहां पे, मैटर फिनिश, हिज डिसीजन वाज अप्रूव्ड है यहां पे, वाज अप्रूव्ड बाय बोथ हिज पेरेंट्स, सही हो जाएगा, हिज डिसीजन हैड बीन तो होगा नहीं यहां पे आपका, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू मस्ट कीप योर प्रॉमिसेस, बहुत बार ऐसी सेंटेंसेस आपको वॉइस में एग्जाम्स में आपको दिए गए थे, तैयार के लिए आप काम आएगा, मस्ट है मैंने कहा मॉडल है तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हर हाल में होगा, तो योर प्रॉमिसेस आर केप्ट, मॉडल तो है ही नहीं, मैटर फिनिश, योर प्रॉमिसेस मस्ट बी केप्ट, सही है, must be plus verb की थर्ड फॉर्म, your promises must kept by you, गलत है, your promises were kept by you, गलत है। देखिए ये जो सी ऑप्शन है सही हो सकता था कब, यदि यहां must के बाद क्या दिया गया होता, बी दे दिया गया, तब हो जाता your promises must be kept by you, but इस ऑप्शन के साथ ही गलत माना जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा, your promises must be kept हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा नरेशन डे होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चलिए ये आपके पास हुर्रे, एक मिनट, ये द चिल्ड्रन सेड दैट दे वांटेड टू गो ऑन अ पिकनिक, द चिल्ड्रन सेड बच्चों ने कहा दैट थी दे वांटेड टू गो ऑन अ पिकनिक कि वो पिकनिक जाना चाहते, ठीक, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट में है, आपको डायरेक्ट खोजना है। The children said, we will कैसे मिला गया, हाँ they wanted है, यानी past indefinite है, हमारा direct speech किसमें रहा होगा, present indefinite में, ये matter finishing का खत्म। The children said, we wanted, अगर we wanted होता तो past perfect दिया गया होता जो कि नहीं है, तो ये matter finish। The children said, we want to go on a picnic, सही है, C option। The children said, we are wanting, मतलब हो जाएगा, कभी नहीं होगा, यानी C option।
चलिए नेक्स्ट नरेश में आपका है हुर्रे है सेड द बॉस वी हैव वन द मैच बाय एन इनिंग। देखिए यहां कल के इतिहास आप देखेंगे जैसे ग्रामर में पढ़ाया जाता है इनिंग्स नहीं होता है, अरे इनिंग नहीं होता है इनिंग्स होता है, लेकिन इनिंग दिया गया है तो ट्रेडिशनली नहीं होना चाहिए लेकिन दिया जाता है, तो ये देने वाले की भी महानता है वैसे। फिलहाल तो देखते हैं हुर्रे समझते होंगे हम जब अपनी खुशी प्रकट करते हैं तो हुर्रे लेते हैं। द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड हैप्पीली दैट दे हैव अगर सेड द गर्ल्स है तो हैव कैसे होगा, इसने पूरे को गुड ओवर कर दिया नहीं हो सकता। द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड हैप्पीली दैट दे वुड हैव कहा विल हैव वगैरह है ये भी गलत हो गया। द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड हैप्पीली दैट दे हैड वी हैव है तो दे हैड योर गर्ल्स के अनुसार तो दे हैड वन हो जाएगा। और आगे देखते हैं द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड हैप्पीली दैट दे हैज रोमन फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया था उन्होंने, ये क्रम मैंने उसी हिसाब से तय किया है। जैसे पहला ऑप्शन है तो आपको देखना होगा पहला कहां है उसमें से चूज करना होगा। ठीक है चलिए देखते हैं मेहनत करते हैं पहले एक बार पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट रिटन नंबर डैश इज अबाउट 5000 ईयर्स ओल्ड पहला जो नंबर रिटन नंबर था वो 5000 साल पुराना था एंड डैश फ्रॉम द सुमेरियंस इन मेसोपोटामिया और मेसोपोटामिया सुमेरियंस के द्वारा लाया गया था। बट मैन वांटेड टू स्पेसिफाई लेकिन आप स्पेसिफाई करना चाहता था डैश इवन मच डैश ऑफ द एनिमल्स किल्ड आउट देयर जो एनिमल्स किल्ड आर रेयर उन्हें मारा जाता था रेयर किया उससे भी पहले आदमी उसे पाना चाहता था। द बिगिनिंग अब यहां देखना है क्या होगा एट द बिगिनिंग होता है इन द बिगिनिंग होता है मैन काउंटेड यूजिंग द फिंगर्स ज्वाइंट यानी आदमी जो था वो अपने फिंगर्स ज्वाइंट्स के सहारे गिनता था आर डैश हैंड हाथ तो दो ही होते हैं। इवन टूडे आज भी यंग चिल्ड्रन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आर बच्चों को जो भी किया जाता टू काउंट गिनना डैश देयर फिंगर्स अपनी उंगलियों के द्वारा इट इज नो ऐसा मतलब जाना जाता है अबाउट द स्टोन एज मैन यानी उस स्टोन एज मैन के बारे में ऐसा जाना जाता है डैश ही यूज्ड कि वो उपयोग ले आता था डैश बाय कटिंग नॉचेस यानी कुछ निशान वगैरह बना करके इन वुड में लकड़ी में बोन्स मीन्स हड्डियों में एंड स्टोन्स ऑफ पत्थर पर। ठीक अब देखते हैं कौन कौन से हमारे सही हो सकते हैं। द फर्स्ट रिटन नंबर जो सबसे पहला रिटन नंबर अब नंबर बात एक में यहां आते हैं इन चारों में से हमें चूज करना है। ठीक है ये चार है तो द फर्स्ट रिटन नंबर क्या फर्स्ट नंबर प्रैक्टिस रहा होगा फर्स्ट रिटन नंबर फंक्शन रहा होगा फर्स्ट रिटन नंबर सिस्टम रहा होगा फर्स्ट रिटन नंबर सिस्टम यानी हमारा पहले वाले में हो जाएगा सिस्टम यहां पे हो जाएगा पहले तो द फर्स्ट रिटन नंबर सिस्टम इज अबाउट 5000 ईयर्स ओल्ड 5000 साल करीब पुराना है एंड और दूसरे के पास आते हैं दूसरा है ये एंड इसमें से चूज कर रहा है एंड इज कमिंग होगा या एंड कमिंग होगा इज कमिंग और कमिंग तो कभी नहीं कौशल होगा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए कुछ हिसाब से हो सकता है बट बेहतर होगा केम यहां लिखा गलत है यहां पे एक्चुअली केम लिखा था जो गलत हो गया है केम तो यहां यही हो जाएगा। द फर्स्ट रिटन नंबर सिस्टम इज अबाउट 5000 ईयर्स ओल्ड एंड केम फ्रॉम द सुमेरियंस इन मेसोपोटामिया कुछ काम कम लिखा लेकिन वो बेहतर नहीं है बट लेकिन मैन वांटेड टू स्पेसिफाई तीसरे पे आते हैं तीसरा कहा है यहां सामने आपके But man wanted to specify, क्या specify करना चाहता था quantities को quantitative को quantities को दो दो बार अच्छा या qualities भी था sorry qualities को quantitative को quantities को या quantum quantum समझते हैं number को कहते हैं तो ऊपर हम number की बात कर रहे हैं ना तो number से qualities quantitative या quantities का क्या मतलब है कोई मतलब नहीं है quality आपके अंदर है ही quantity जो नापने योग्य होता है और quantity समझते हैं मात्रा को कहते हैं यहां क्वांटम हो जाएगा। अब हमारे पास तीन ऑप्शंस हो गए द फर्स्ट रिटन नंबर सिस्टम इज अबाउट 5000 ईयर्स ओल्ड एंड
came from the Sumerians in Mesopotamia. यानी पहला जो रिटन नंबर सिस्टम है करीब 5000 वर्ष पुराना है और ये कहां से प्राप्त हुआ? मेसोपोटामिया में सुमेरियंस से प्राप्त हुआ. बट मैन वांटेड, लेकिन आदमी चाहता था टू स्पेसिफाई क्वांटम, क्वांटम को स्पेसिफाई करना चाहता था इवन मच और अधिक. चौथा नंबर देखते हैं जल्दी से. चौथा हमारा है क्या है? अर्ली और लेटर, अर्लीस्ट और अर्लियर. कैसे चाहता था? मच मच, अगर आपको याद हो मच के बाद कंपेरेटिव डिग्री आपकी आएगी, ठीक है, तो अर्लियर हो जाएगा. यानी आदमी क्या चाहता था? आदमी इसे मच अर्लियर चाहता था ऑफ द एनिमल्स किल्ड अर्लियर. यानी जब जानवरों को मारा जाता था, रेयर किया जाता था, उससे भी मच अर्लियर आदमी क्या चाहता था? उससे स्पेसिफाई क्वांटम, क्वांटम को स्पेसिफाई करना चाहता था. ठीक है, अब देखते हैं. थैंक्स आगे सर, आपके लिए किया पहले से बोल जाए. चलिए फिर से सामने आते हैं. द बिगनिंग, क्या बिगनिंग होगा? पांचवा है ना? हाँ पांचवा है. ऑन द बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग, इन द बिगनिंग या एट द बिगनिंग. अगर आप याद हो इन द बिगनिंग होता है, तो इन द बिगनिंग शुरू में, यानी हमारी पांचवी क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा. तो जाएगा इन द बिगनिंग मैन काउंटेड यूजिंग द फिंगर ज्वाइंट्स, यानी फिंगर ज्वाइंट्स के सारे काउंट करता था. आन डैश द हैंड, छठवें में देखना है क्या है. वन वन हैंड, आवर हैंड, ईच हैंड, एवरी हैंड, कितने हाथ है? दो ही हाथ है. ये एवरी तो कतई नहीं हो सकता, और मैन के लिए आवर तो कतई नहीं होगा. वन हैंड या ईच हैंड क्या हो जाएगा? दो है तो क्या होगा? ईच हैंड, कुछ है नहीं. तो हो जाएगा यहां पे हमारे पास इतने पॉइंट देखे क्लियर हो गए. द फर्स्ट रिटन नंबर सिस्टम इज अबाउट 5000 ईयर्स ओल्ड एंड केम फ्रॉम द सुमेरियंस इन द मेसोपोटामिया. बट मैन वांटेड टू स्पेसिफाई क्वांटम इवन मच अर्लियर. Of the animals killed are rare. In the beginning, man counted using the fingers joints on each hand. ठीक है? Even today, young children are dash. सातवां नंबर देखते हैं. सातवां ये है. Young children are teaching. क्या बच्चे पढ़ा रहे हैं क्या आज? बच्चे teacher होता ही नहीं. बच्चे teach, क्या बच्चे पढ़ाते हैं? नहीं. बच्चे टॉक, सही है, बच्चों को सिखाया जाता है, पैसिव एक्शन. तो इवन टुडे यंग चिल्ड्रन आर टॉक, बच्चों को सिखाया जाता है टू काउंट, कि वो गिने डैश देयर फिंगर्स. आठवां नंबर है बाय देयर फिंगर्स होगा, मतलब बाय देयर फिंगर्स होगा, या विद देयर फिंगर्स, या थ्रू देयर फिंगर्स, या ऑन देयर फिंगर्स. देखिए ये तो पता ही नहीं होगा बाय और थ्रू, ठीक है, हमें विद और आन देखना है. तो अगर हम आन जोड़ते हैं तो काउंट आन हो जाएगा. काउंट आन हिसाब करके भरोसा करना हो जाता है. क्या हो जाएगा? फिंगर्स ज्वाइंट्स आन हो गया. इवन टुडे यंग चिल्ड्रन आर टॉट टू काउंट विद देयर फिंगर्स हो जाएगा. ठीक है, इट इज नोन, ऐसा जाना जाता है अबाउट द स्टोन एज मैन. किस आदमी के बारे में? स्टोन एज मैन के बारे में डैश नाइन्थ देखते हैं. नाइन्थ है वेन That, how, what. Actually, दोनों हो सकता है, या ये भी हो सकता है. It is known about the Stone Age man that he used, कुछ जगह that दिया गया, पर बेहतर नहीं होगा. बेहतर हो चुकी है, टाइम दिया गया है. Stone Age man, टाइम दे दिया गया है, तो टाइम के लिए when बेहतर होगा ना कि that बेहतर होगा. तो it is known about the Stone Age man when, जब he used, वो प्रयोग करता था. क्या प्रयोग करता था? दसवां, वो टैलीज प्रयोग करता था, मार्क्स प्रयोग करता था, साइंस प्रयोग करता था, या सिंबल्स प्रयोग करता था. देखिए अगर सिंबल में एस लग गया होता तो सही हो जाता, लेकिन नहीं दिया गया है, तो आपके लिए बेहतर है दो में से चूज करें, मार्क्स या साइंस. आपकी प्रेफरेंस मार्क्स होनी चाहिए, निशान. साइंस जैसे कुछ बना हुआ होता है, मार्क्स किसी भी चिन्ह को कहते हैं आप, तो यहां मार्क्स हो जाएगा. ठीक है, अब एक साथ पूरा समराइज कर लेते हैं. The first written number system is about 5,000 years and came from the Sumerians in Mesopotamia. But man wanted to specify quantum even much earlier of the animals killed are rare. In the beginning, कुछ किताबों में at the beginning दिया है, पर सही नहीं होगा.
In the beginning, मैं counted using the fingers joints on each hand. Even today, young children are taught to count with their fingers. It is known about the Stone Age man when he used to क्या लेगा? साइंस ले सकते हैं और मार्क्स ही मार्क्स है मार्क्स by cutting notches in wood, bones and stones. जो ये एक प्रयास है और आगे सारे एग्जाम्स अब आपके अब तो कहने की बात नहीं है सब सामने आ चुका है सारे एग्जाम्स and if you are desiring to get success अगर आप सफलता पाना चाहते हैं you will certainly work hard आप निश्चित ही कठिन परिश्रम करेंगे just to bring peace and happiness to your family इस अपने परिवार में खुशियां लाने के लिए स्वास्थ्य लाने के लिए तो फिर ये चीजें सबसे काम है अगर आपके काम में आएंगी अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं कि जबरदस्त तरीके से आपकी सहायता करेंगी चलिए फिर कल मिलते हैं थैंक यू वेरी मच